तो रोशन बेग छोड़ के क्यों भागे कांग्रेस? क्योंकि इख्तदार बीजेपी की तरफ जा रहा था जी, तो इंक्वायरी का कंट्रोल भी बीजेपी की तरफ जाएगा, तो इनको बीजेपी का प्रोटेक्शन चाहिए था, तो ये बीजेपी चले गए। आपको नहीं लगा डर कि आपको भी ईडी सताएगी? मुझे क्यों लगेगा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी वो कंपनी के एक सीढ़ी तक नहीं चढ़ी है, कभी भी कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई मुलाकात नहीं रही, कोई हमारा लेना देना नहीं रहा, तो मुझे क्यों? मेरा किरदार पाक है, बहुत क्लीन आदमी हूँ, उसमें मैं फख्र से कहता हूँ, और इसीलिए मैंने वो कदम उठाया, SIT बनवाई। ये मेरी कोशिश रहेगी कि इस इलेक्शन के बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करवाऊँ और लोगों का पैसा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए मैं जिद्दोजहद करूँ। ये सिर्फ IMA का कमिटमेंट ही नहीं है, ऐसा स्कैम और कभी आगे चल के ना हो। एजुकेशन पे बहुत काम करूंगा, सफाई पे बहुत काम करूंगा, मैं कभी कोई जात पे, कभी कोई जमात पे या कोई धर्म के इसमें मैं लोगों को अलग नहीं करूंगा, मैं सबको एक निगाह से देखूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। मैं अभी रिजवान अरशद साहब के साथ बैठा हूं, जो मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कमिटमेंट दिया था कि मैं इनसे इनका ब्लूप्रिंट मांगूंगा और कोशिश करूंगा ये अगर जीतते हैं तो क्या क्या कमिटमेंट है इनके तरफ से, उसी के ऊपर अभी मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूं। रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। शुक्रिया आप यहाँ हैं जी। और जो मैंने पहले आपसे बात किया था और आपने कहा था कि मैं आपको एक हफ्ते के अंदर बताऊँगा कि मेरा प्लान क्या होगा, तो मेरा वही सवाल है, क्या आपने प्लानिंग किया है? देखिए, मैं एक आम आदमी की नज़र से देख रहा हूँ जी, ठीक है, मैं खुद इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर हूँ, और ये वोटर होने के हैसियत से और यहाँ रहने के हैसियत से मैं क्या सवालात यहाँ मेरे सामने हैं, किन हालात में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है। आप शिवाजी नगर हल्के के अंदर आप जाएं, और ख़ास तौर से शिवाजी नगर, भारती नगर, ये एरिया में आप अंदर जी चल के जाएं, मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है पहले पाकी सफाई का काम। मैं रसल मार्केट गया था वहाँ के लोगों को मिलने के लिए, खदीम मार्केट है, 100 साल पुराना मार्केट है, लेकिन जिस तरीके से मेंटेन किया गया है, अगर उस तरीके से मेंटेन किया गया तो वहाँ के हज़ारों लोग जहाँ पे उनकी रोजी रोटी चलती है जी, अगर वो सांस लेंगे, उस गंदगी में वहाँ रहेंगे, तो उनकी सेहत पे असर होगा। हालांकि कमिटमेंट कुछ देंगे रिजवान साहब कि अगर आप पावर में आते हैं तो कितना टाइम लगेगा आपको सफाई दिखाने में? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो ये प्रायोरिटी में होगा जी, मेरे ख्याल से लोगों का मुझे ताउन होगा, उनकी दुआएं होगी, सपोर्ट होगा, मुझे MLA बनाएंगे उनका, तो मेरे ख्याल से दूसरे दिन से ये काम शुरू करना पड़ेगा, दूसरे दिन से निकलना पड़ेगा, और लोगों में भी ये बेदारी लानी पड़ेगी कि कोई कचरा नहीं सहेगा, कोई गंदगी नहीं सहेगा, और हमारे गलियां, हमारे मोहल्ले पाक साफ होने चाहिए। BBMP का सिस्टम होगा जी, साफ करने वाला, लेकिन वो सिस्टम ठीक से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपके MLA को वो एक चीज़ प्रायोरिटी में रखनी चाहिए कि ये काम जो है ये ज़रूरी है, इस पर कोई कोताही नहीं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वहाँ जो खेल रहे हैं गलियों में, वो इतनी गंदगी में घूमेंगे खेलेंगे तो उनके सेहत पर भी असर होगा। तो क्या ये इम्पैक्ट सफाई का जो है आप बोल रहे हैं, क्या आप एक महीना के अंदर कमिटमेंट लेंगे? क्योंकि सिस्टम तो बना हुआ है, आपको अपने पावर को यूज करके सिस्टम को ट्रैक पे लाना है, तो क्या ये इम्पैक्ट एक 30 दिन के अंदर दिखाई दे सकता है? बिल्कुल दिखाई दे सकता है, अगर हम सब लोग मिलकर ठान लें जी। मैं तो इसकी पूरी कैंपेन करूंगा, सफाई पे कैंपेन करूंगा, पाकी कैसे रहना है, मोहल्लों को पाक कैसे रखना है, साफ कैसा करना है, और वो BBMP वालों से क्या बात करनी है। जब मैं खुद सड़कों पे निकल जाऊंगा इस काम को लेकर के, तो साफ तो होना ही है। अच्छा, जो लास्ट में आपने कहा था एजुकेशन का, तो उसके ऊपर आपने कुछ प्लान बनाए? सी, देखिए, डेफिनेटली एजुकेशन पे बहुत सारा काम करना बाकी है। देखिए, छोटे बच्चे हमारे, उन पे उनको तालीम के लिए, उनकी तरबियत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनके स्कूल जो आज सरकारी स्कूल हैं वो बिल्कुल कितने ऐसे हालात में हैं कि वो बच्चे जाके पढ़ नहीं सकते, उनको सुधारने का काम एक तरफ से करना चाहिए। दूसरा, ये हमारे यहाँ PU कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे बहुत दूर तक जा रहे हैं, सिटी के अंदर है, विधानसभा के 2 किलोमीटर में हम रह रहे हैं, लेकिन एक PU कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे बच्चियों के लिए खासतर नहीं है, तो वहाँ पे एक PU कॉलेज लाने का एक काम होना चाहिए, और ना सिर्फ बच्चों की तालीम के लिए कि कोई एक एप्लीकेशन बनाई, उनको तालीम उनके घर के अंदर उनके फ़ोन में उन्हें मिलना है,
ऐसा एक टेक्नोलॉजी का काम भी हमें करना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं कहूँ कि जो बड़े हमारे हैं जो अपनी ज़िंदगी में पढ़ नहीं पाए, उनको अडल्ट एजुकेशन का काम करना चाहूँगा उनके लिए। तो एजुकेशन पे आप बोल रहे हैं तीन लेवल की बात कर तीन लेवल की बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए और ये कॉलेज लेवल के लिए और जो बड़े लोग हैं उनके लिए। और कोई अगर हमारे बच्चे बच्चियाँ बहुत बाज़हिन हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर बैठना चाहते हैं तो मैं उनके साथ वो काम करना चाहूँगा कि कल वो IAS IPS KS एग्जाम्स में बैठे और उनके लिए क्या मैं मदद कर सकता हूँ। अच्छा, उसमें एजुकेशन में आपने ये भी कहा था कि ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन के लिए भी आप बता रहे थे कुछ करने की है, तो वो भी आप में मैं बहुत थोड़े लोगों से बात करा हूँ एक एप्लीकेशन बनवाने के लिए, पूरा इलाबरेट ट्रेनिंग के लिए बच्चों को, और कोई नई चीज सोचनी है उनके लिए, उनको क्या तोहफा देंगे बच्चों को आप बताइए, हमारे तरफ से क्या दे सकते हैं हम, कुछ नहीं, उनकी कोई मांग ही नहीं है। अगर हमें उनको ठीक से एजुकेशन दे दिया, उनको ठीक से तालीम याफ्ता बना दिया, उनको वो चीज़ मुहैया कर दी जो हम आमतौर पर वो नहीं ले पाएंगे, वहाँ नहीं ला पाएंगे, तो ये मेरे लिए एक बहुत अहम काम होगा। और जिस तरीके से स्कूल्स हैं, मैं उसे टाइमलाइन तो मैं नहीं दूंगा, उसके लिए फंडिंग सरकार से लाना है और कोई प्राइवेट कंपनीज को पकड़ के लाना है और वहाँ के स्कूलों को डेवलप करना है जी। तो ये जो है मेरे लिए प्रायोरिटी होगा, मैं इसके लिए बहुत काम करता हूँ। ठीक है, चलिए, ये लास्ट टाइम आपसे बात नहीं हुई थी IMA के ऊपर, अब ये बताइए कि IMA के ऊपर आपने जब इतना बड़ा हंगामा हुआ तो आपका क्या क्या स्टेप था? देखिए, IMA को मैं बहुत दूर से देखा करता था, अपने बड़े शानदार उनके होर्डिंग्स हुआ करते थे और बड़े बड़े लीडर्स उनको मिला करते थे, चीफ मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स उनके यहाँ जा रहे हैं, उनको लेके जाया गया रहा है, बहुत मुशायरों में उनको उनकी इज्जत अफजाई हो रही है, चीफ मिनिस्टरों के और बड़े बड़े लीडर्स के बाजू में उनको बिठाया जा रहा है। मैं देख रहा था और मैं कभी सोचता था कि है क्या इनको इतनी ये क्यों मिल रही, तरजीह क्यों मिल रही है, इनकी इतनी अहमियत क्या है, मुझे उस वक्त पे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत दूर से देखता था इन चीज़ों को और थोड़ा परेशान भी होता था, लेकिन मेरे कंट्रोल में कोई चीज़ें नहीं थी, इख्तदार किसी और का था, मैं तो सिर्फ एक हारा हुआ कैंडिडेट था उस टाइम पे, तो मैं देखता था। लेकिन जब ये स्कैम हुआ, जब ये कंपनी गिरी, तब मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया और बहुत सीनियर लोगों ने फोन किया, मसाजिद के फेडरेशन के लोगों ने फोन किया। आपने कुछ आवाज नहीं उठाई इसके? उसके उसी रात में पहुंचा, उन्होंने कहा आज ही मिलना है जी। तो मैं और NA हारिस हमारे MLA हम दोनों पहुंचे अचानक सब काम छोड़ के। उन्होंने कहा एक इतना बड़ी मुसीबत हम पर आयद हुई है, इसको कैसे अब हम क्या करें। तो उसी रात मैंने होम मिनिस्टर से बात किया और कहा कि ये हमारी कम्युनिटी पे इतना बड़ा ये हुआ है, मुसीबत आई है, इसको हमें हुकूमत से बहुत सीरियस लेना है, आपके क्राइम ब्रांच इंक्वायरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी ये सब नहीं चलेगा सर, सुबह टाइम दीजिए, हम एक वफद लेके आएंगे, एक डेलीगेशन के साथ आएंगे और हमें बात करने का मौका। तो ये सारी चीज आप लोग मीडिया में प्रेजेंट नहीं किए? देखिए, मेरा ये मानना है कि काम करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, हर चीज सिर्फ पब्लिसिटी के लिए आप करते रहेंगे तो आपकी नीयत में भी वो खोट आ जाएगी। काम होना चाहिए, लोगों को उसका फायदा होना चाहिए। ऑन द रिकॉर्ड मैंने होम मिनिस्टर से सुबह फिक्स किया टाइम, चीफ मिनिस्टर से भी फिक्स किया और 30-40 लोगों का डेलीगेशन था, पूरे शहर के मोतबर शख्सियात थे उसमें, उनको लेकर के मैं गया था और होम मिनिस्टर से बात की, चीफ मिनिस्टर से बात की, हमने डिमांड रखा कि SIT बननी चाहिए और आज ही बननी चाहिए और SIT में सिंसियर ऑफिसर्स होने चाहिए और उसको एक बार SIT क्यों बनवाना चाहिए कि SIT एक बार फॉर्म हो गया तो उसको ऑफिसर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि वो पूरा इन्वेस्टिगेशन ना हो, तो ऑफिसर का सर पे ये नहीं रहेगी, तलवार नहीं लटकेगी क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम था। तो रोशन बेग छोड़ के क्यों भागे कांग्रेस? क्योंकि इख्तदार BJP की तरफ जा रहा था जी, तो इंक्वायरी का कंट्रोल भी BJP की तरफ जाएगा, तो इनको BJP का प्रोटेक्शन चाहिए था, तो ये BJP चले गए तो बचने तो बिल्कुल, ये तो एक छोटे से बच्चे को भी आप पूछेंगे तो
ये जाहिर सी बात है कि सिर्फ बचने के लिए गए हैं। तो आपको नहीं लगा डर कि आपको भी ईडी सताएगी? मुझे क्यों लगेगा, मेरी जिंदगी में मैंने कभी वो कंपनी के एक सीढ़ी तक नहीं चढ़ी है। कौन आदमी है मैंने कभी फेस टू फेस कभी या कभी भी कोई कनेक्शन नहीं रहा, कोई मुलाकात नहीं रही, कोई हमारा लेना देना नहीं रहा, तो मुझे क्यों? मेरा किरदार पाक है, बहुत क्लीन आदमी हूँ मैं, उसमें मैं फख्र से कहता हूँ। और इसीलिए मैंने वो कदम उठाया, SIT बनवाई। आज आपको मैं कह दूं सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो गया है, कितने लोगों ने पैसा डाला वो भी डॉक्यूमेंटेड है, किसने पैसा उठाया वहां से, लोगों को धोखा दिया वो भी डॉक्यूमेंटेड है। तो जो भी इंक्वायरी इसके बाद होगी उस डॉक्यूमेंट्स पे होगी। तो ये मेरी कोशिश थी कि इस सदी का ये आखिरी स्कैम हो, और अगर आखिरी स्कैम होना है तो जिसमें जो भी लोग मुलविस हैं उनको सजा मिले, अगर सजा मिलनी है तो उसको डॉक्यूमेंट करवाओ कि किसने पैसा मारा, किसने खाया, क्या हुआ। आज वो डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन आज की जो इंक्वायरी चल रही है CBI से, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। ऐसे थोड़ी इंक्वायरी होती है आप, ये तो पॉलिटिकल इंक्वायरी हो गई, काफी स्लो हो गया ना। स्लो क्या, आप जिसको चाहे छोड़ रहे हो, जिसको चाहे आप बुला रहे हो नोटिस देके, ऐसे थोड़ी होता है। यू शुड बी क्लियर, आज तक एक नोटिस नहीं दे पा रहे आप लोग। तो आपके सपोर्ट में कोई और पार्टी वाले या कोई और लोग हैं जो आप मिलके IMA के सुलझाना चाहेंगे? देखिए, थोड़े नौजवान लीडर्स इसमें बहुत इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं। शहरयार खान से मेरी अक्सर बातें होती हैं। अच्छा। मैं क्या करना है, वो क्या करेंगे, ऐसे कई नौजवान हैं जो हम लोग बीच बीच में बात करते हैं। मेरा क्या रोल होगा, वो लोग पूछते हैं कि आप ये कर दीजिए, इनसे बात करिए, ये प्रेशर डालिए, मैं वो भी करता हूँ। हम लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा स्कैम हुआ है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी पॉलिटिकल हुआ है, इन्वेस्टिगेशन स्लो हो गया है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन स्लो होगा तो लोगों को अपना पैसा भी वापस नहीं मिल पाएगा ना, वो भी स्लो हो जाएगा। ये मेरी कोशिश रहेगी कि इस इलेक्शन के बाद वो इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करवाऊं और लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मैं जिद्दोजहद करूं। तो आप अगर जीत के गए तो आप अपनी जगह पे आवाज उठाएंगे और कुछ लोग बाहर से सपोर्ट करेंगे, ऐसा आपने कुछ टाइप नहीं? ये तो पूरा हमको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि हमें बहुत क्लियर कट इस पे स्टैंड लेना है। मेरा स्टैंड क्लियर है, आपको पता होगा, आपने भी मुझे एक बार फोन किया था कि गवर्नर का लेटर लिखा गया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को। आप बताइए, इस मुल्क की तारीख में किसी गवर्नर ने किसी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर किया है? तो आपको उस वक्त गवर्नर के लेटर पे मैंने आवाज उठाई कि आप इस्तीफा दें। आप डर की बात कर रहे हैं, मेरा जमीर जिंदा है। आपको ईडी का डर नहीं लगा? मेरा क्या है लेना देना, मैं क्लीन किरदार का आदमी हूं। इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ मीडिया चैनल ने कहा था कि आपने पैसा लिया, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, वो इसलिए लिखवाया गया था, एक मीडिया में प्रोग्राम चलवाया गया था कि किसी को डर था कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कल कांग्रेस पार्टी से रिजवान ना कैंडिडेट हो जाए। अच्छा। तो वो चाहते थे कि रिजवान कैंडिडेट ना हो, कोई भी और आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजवान कैंडिडेट होगा तो उसको लोगों की मदद मिलेगी, उनकी ताईद में लोग खड़े हो जाएंगे और वापस उनको वो हल्का हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एक साजिश के तहत एक प्रोग्राम करवाया था, जो मैंने डिफेमेशन केस वगैरह भी डाला है उस पर। लेकिन यह है कि आज मैं एक ऐसा सियासतदान हूँ जिसने हर मौके पर उस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं, मैसेजेस भी भेजते हैं कि हमारा पैसा जल्दी दिलवाइए। आज मैं उतना बड़े पोजीशन में नहीं हूं कि मैं उनका पैसा दिलवा दूं आज, लेकिन मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊंगा। मेरा काम यह था कि इन्वेस्टिगेशन का डॉक्यूमेंट हो जाए, जिन्होंने पैसा खाया उनका डॉक्यूमेंट हो जाए, अब इसके बाद पैसा निकालने का काम हो सकता है। क्योंकि अगर उसी में गड़बड़ हो जाती, इन्होंने कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवा देते या कोई दूसरी इंक्वायरी होती तो उसमें मैनिपुलेशन हो जाता। तो इसीलिए मेरा फोकस फर्स्ट था कि इसको SIT के बनवाओ और इसको ठीक से ये करवा दो। IMA का तो आप देख टेक केयर करेंगे अगर आप जीतते, ये आपकी कमिटमेंट है। ये बताइए, 7 वार्ड है? नहीं, सिर्फ IMA का कमिटमेंट ही नहीं है, ऐसा स्कैम और कभी आगे चल के ना हो ये देखने की बात है। क्योंकि जिन लोगों के इख्तदार में उनकी नाक के नीचे इतना सब हो रहा था, तो हम चुप, अगर वो लोग चुप बैठे थे तो कहीं ना कहीं वो भी उसमें नहीं, उनके साथ तो सारे बड़े लोग दिखाई देते, चीफ मिनिस्टर दिखाई देते थे, बिल्कुल बड़े लोग दिखाई देते थे हमेशा। मैं खुद परेशान था इन सबको दूर दूर से देख के, क्या हो क्या रहा है।
तो उन्हीं को देख के जो जनता थी सोची कि चलो जेन्युइन केस है, सबने पैसा नहीं, ये मार्केटिंग ऐसे ही होती है। आप सीधा सीधा नहीं बोलते कि उसमें पैसा डालो, आप चीफ मिनिस्टर को उनके ऑफिस लेके चले जाते हैं तो मीडिया में आता है, ठीक है। तो जब चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं चलता कि किसका ऑफिस है, बोल रहे इतना बड़ा आदमी है वो मुझे बुला रहा है तो मैं चलूं, मतलब जो बिजनेसमैन है वो नहीं, जो कोई लीडर लेके जा रहा है। अगर मैं कहूं सीएम को कि आप आना है यहाँ पे फरहान भाई के स्टूडियो में, वो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छा है, उनका असर रसूख है, तो वो आ जाएंगे। तो उनको भी गुमराह करके लाते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे लोग गुमराह होके भी आए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और एजुकेशन पे मैं कह दूं कि वीके उबैदुल्ला स्कूल का मसला था, ये होने के बाद, कंपनी गिरने के बाद वो स्कूल किसी के, मतलब वो स्कूल ऐसा हो गया था कि कोई चार्ज ही नहीं ले रहा था। हर महीना 20-22 लाख रुपए उस स्कूल को चलाने का खर्च है। सारे पेरेंट्स सड़क पे आ गए थे, बच्चों को पता नहीं, पूरे टीचर्स का फ्यूचर, कौन उनकी सैलरी देगा, कौन उनका ये करेगा, कौन मेंटेन करेगा। एक आध महीना चला वो बंद था, भी बंद था स्कूल, प्रोटेस्ट हो रहे थे, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। मुझे बुलाया गया तो मैं पहुंचा हूँ वहाँ, उस मसले का हल पूछा गया तो मैंने हल करवाया है, क्योंकि मैं एक्शन करता हूँ, मैं सिर्फ बात नहीं करता हूँ। जहाँ मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, चाहे तो मैं पब्लिसिटी के लिए अब कुछ ये नहीं जो आप बोल रहे हैं, आपने कराया तो लोग तो छोटा काम करके प्रेस को बुलाते हैं, तो एटलीस्ट आपको तो हाईलाइट करना चाहिए था कि ये मैंने करके दिए। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। कुदरत भी एक चीज होती है, वो अपना काम करते रहती है। जिस आदमी को जहाँ पे वो बिठाती है, जिससे क्या खिदमत लेना चाहती है वो लेती है, और उसका क्रेडिट आज नहीं तो आने वाले दिनों में वो मिलता है। आप वहाँ के पूरे पेरेंट्स एसोसिएशन ने आकर मेरा शुक्रिया अदा करके वो गए, बहुत खुश होकर गए, क्योंकि किसी ने उसका हल नहीं ढूंढा था। मैंने हल ढूंढा है, वक्फ के जो इंस्टीट्यूशन है, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स है, उसका टाइप करवाया, क्योंकि नहीं तो वापस वो सरकारी स्कूल हो जाती। और जो बिल्डिंग बांधी गई है वो तो पब्लिक के पैसे से बांधी है, वो कोई कंपनी का पैसा नहीं था, पब्लिक का पैसा था, उससे बिल्डिंग बनी थी, और वो सरकारी स्कूल है, वापस सरकार पे चले जाती, और सरकारी स्कूल की जैसे चलती तो उसमें नुकसान हमारे बच्चों का था। तकरीबन 1800 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, तो आज वो वापस समय गवर्नमेंट लेवल पे चल रही है। मुझे लगता है कि अगले आने वाले दिनों में वहाँ पे और 7-8 स्कूल हैं जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन से हम डेवलप कर सकते हैं, जो उर्दू स्कूल, उर्दू स्कूल्स हैं, तमिल स्कूल्स हैं, उर्दू स्कूल्स हैं, कन्नड़ा स्कूल्स हैं, इंग्लिश तो प्राइवेट स्कूल्स वहाँ पे हैं, छोटे छोटे स्कूल्स हैं, लेकिन बहुत सारा काम एजुकेशन में बाकी है फौरन भाई, जो मैं करूँगा। और इसमें कुछ भी कोई भी बीच में आए, मैं इसको ये नहीं करने वाला हूँ, नेग्लेक्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं एजुकेशन पे बहुत काम करूँगा, सफाई पे बहुत काम करूँगा, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। वो ज़्यादा इलेक्शन में बात करूँगा तो लोगों को लगेगा कि इलेक्शन के लिए आप बात कर रहे हैं, वो मैं नहीं करना चाहूँगा। तो मेन जो मुद्दा है, जैसे कि सफाई है, एजुकेशन है, और IMA का के, तो इस पर तो आप कमिटमेंट दे रहे हैं, ये सारे करके दूंगा मैं, उस पर तो मैं क्लियर हूँ पहले से जी, इसमें तो पहले से क्लियर हूँ। मेरे छोटे छोटे फंड से मैंने स्कूलों में जो मैं छोटा छोटा काम कर सकता था किया हूँ। अगर वहाँ के लोग, आवाम चाहती है कि एक नौजवान, एक नया चेहरा आए, एक नई सोच के साथ आए, एक नया कमिटमेंट के साथ आए, और थोड़ा दूरंदेशी से वो सोचे और वहाँ के हालात बदलने का कमिटमेंट रखता हो, तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ आएंगे, क्योंकि पिछले 40 साल से वहाँ पे काम नहीं हुआ है, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है मेरे ख्याल से साइंटिफिक भी नहीं है, उतना सोच समझ के नहीं करवाया गया है। और मेरे ख्याल से वहाँ 5 साल में एक बार जीतने के लिए जो मैनेजमेंट करना है उसी पर लोग जोर देते हैं। वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, परफॉर्मेंस पे वोट मांगना चाहिए। मैं अगर अगला इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे नहीं मालूम कि आगे आने वाले दिन कैसे रहते हैं, अगला इलेक्शन में लड़ूंगा तो मेरे परफॉर्मेंस पर लड़ूंगा, ना कि किसी और मसले पर लड़ूंगा जी। सिर्फ परफॉर्मेंस पर लड़ूंगा कि मैंने ये किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करता रहूं तो आप मुझे आगे वोट दीजिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो हलका है ये सिर्फ शिवाजी नगर के अंदर का
हल्का नहीं है जी। इसमें संपंगिराम नगर, वसंत नगर, कुमारा पार्क, ये मुनरेड्डी पाड़िया, चिन्नप्पा गार्डन, मारप्पा गार्डन, मुबारक मोहल्ला आता है, ये आप इधर आएंगे तो अलसूर आता है। टोटल सात वार्ड, टोटल सात वार्ड है। मैं सात वार्ड में भी बहुत एक्टिवली काम करना चाहता हूँ। सात वार्ड में भी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने प्रॉब्लम्स वहाँ हैं जी। वो सारे प्रॉब्लम्स को एक साइंटिफिक तरीके से करेंगे। और मेरा ऑफिस, अगर लोगों ने मुझे चुना, जो मुझे उम्मीद है कि वो चुनेंगे इंशाल्लाह, तो मेरा ऑफिस एक्टिव ऑफिस रहेगा, काम करने के लिए एक्टिव ऑफिस रहेगा, लोगों को रीच आउट करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए एक अच्छा एक्टिव ऑफिस बनाऊंगा। और एक मिशन की तरह काम होगा, ऐसा नहीं कि एक बार जीते फिर पाँच साल में आप जा रहे हो, एक मिशन की तरह मैं काम करना चाहूँगा और मैं काम करके दिखाऊंगा। तो ये आपका कमिटमेंट है कि सात वार्ड में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को उसके हिसाब से आप काम करेंगे? बिल्कुल, उस हिसाब से काम करूंगा। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा, मैं कभी कोई जात पे, कभी कोई जमात पे या कोई धर्म के इसमें मैं लोगों को अलग नहीं करूंगा। मैं सबको एक निगाह से देखूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। और बहुत अहम है आने वाले दिनों में, क्योंकि इस समाज को तोड़ने के लिए, इस समाज में एक जहर घोलने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हमें उस नफरतों को मिटाना होगा। और हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जितने हम लोग हैं इस मुल्क में, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, मोहब्बत फैलानी होगी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और इस तभी हमारे आने वाले नस्लें, हमारे जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छा माहौल हम दे पाएंगे। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है। और वो देखेंगे कि एक नौजवान आया है और ये नौजवान हमारे हालात बदलने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, और वो हमारे साथ आएंगे, ये इतना मुझे यकीन है। अच्छा, एक सवाल और था कि बहुत सारे कॉरपोरेटर हैं जो कांग्रेस के, वो बीजेपी के कैंप में जा रहे हैं, क्या है लगता है आप लोग उस पर कुछ एक्शन लेंगे और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दो कॉरपोरेटर्स हैं, गुणशेखर और कृष्णेगौड़ा, जो बीजेपी की हिमायत में काम कर रहे हैं। वो पहले से रोशन बेग साहब के फॉलोअर्स हैं, और उनके जितने फॉलोअर्स हैं रोशन बेग के, वो मेरे खिलाफ तो काम कर ही रहे हैं। मतलब जो खास आज है, और बहुत सारे तकरीबन 80% उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनको छोड़ करके मेरी ताइद में आ गए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये जो साजिश हो रही है, ये साजिश सिर्फ रिजवान को हराने के लिए नहीं हो रही है, बल्कि अवाम को हरवाने के लिए हो रही है। अगर नया चेहरा आ जाएगा तो नया काम शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को पकड़ में नहीं रख सकते। तो ये साजिश है कि इसको कैसे भी हराओ। तो उनके दो कॉरपोरेटर्स हैं, ये वो चले गए। मैं आपको ये कह दूं फरहान भाई, मेरी जो सीधी लड़ाई है बीजेपी के साथ है, ठीक है। बीजेपी का कैंडिडेट सरवना है, और सरवना रोशन बेग के कंधों पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इतने दिनों तक रोशन बेग मुस्लिम को ये बोल के कि बीजेपी आ जाएगी, हमको सपोर्ट करो, आज उसके खेमे में जाके बैठ गए, इसको कैसे आप देखते हैं? मैं सिर्फ आईएमए की नज़र से देख रहा हूँ जी, और कुछ नहीं है। मैं आपको इतना कह दूँ फरहान भाई कि तो आप अपनी जान बचाने के लिए किसी हद तक अपने कौम को भी आप गड्ढे में ढकेल सकते हैं? ये तो जाहिर सी बात है, सब लोग देख रहे हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। एक छोटे से बच्चे को भी आप पूछेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि क्या है मामला। देखिए, लेकिन मैं आपको कह दूँ बड़े अफसोस से कि 15 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, 14 हलकों में सिंगल मिशन लग रही है, सिर्फ शिवाजीनगर में डबल मिशन लग रही है, दो मिशनें लगी, क्योंकि 10 से 12 आपने इंडिपेंडेंट लड़वा दिए, फिर कोई पार्टी है जो कभी यहाँ पे वजूद में नहीं थी, वो कभी यहाँ आके लड़ती नहीं थी, उनको भी लड़वाया जा रहा है, और जनता दल से हमारे एक भाई लड़ रहे हैं, तो दो दो मिशनें होंगी, ताकि उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वोट मुंतशिर हो जाए और वो किसी भी हालत से बीजेपी को मदद करके जिताना चाहते हैं। लेकिन मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ जी, मुझे यहाँ तक आने के लिए फरहान भाई, रिजवान आज लोग पसंद कर रहे हैं कि हमारा एक भाई है जो नौजवान है, आगे बढ़ रहा है। 20-22-23 साल की मेरी ज़िंदगी की मेहनत, मैंने ज़िंदगी वफ़ की है यहाँ तक आने के लिए। अगर आज इन साजिशों की वजह से मैं हारा या ख़त्म हो गया, तो और एक रिजवान को आने के लिए और 20-22-25 साल लगेंगे।
फिर तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये जो है साजिश मुझे हराने के लिए नहीं है, शिवाजी नगर को डेवलपमेंट से महरूम रखने के लिए, शिवाजी नगर को एक नए चेहरे से, नई सोच से, एक नई एनर्जी से, एक नई ताकत से दूर रखने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है इसमें। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग ये समझ चुके हैं, इसका पर्दाफाश हो चुका है, सीक्रेट नहीं है, ओपन सीक्रेट हो गया है। मैं आपको इतना कह दूं कि अवाम जो है वो लीडर बनाती है और अवाम ही है जो बिगाड़ती है, और आज फैसला अवाम लेगी। 5 तारीख का दिन एक फैसला होगा, और मैं आपको कह दूं कि शिवाजी नगर हलके की तारीख में ये लिखा जाएगा, ये तारीखी फैसला होगा, ये छोटा फैसला नहीं हो रहा है, तारीखी फैसला हो रहा है। और मुझे उम्मीद है जब तारीखी फैसला होता है तो आवाम पूरी समझदारी से लेगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी, किसी की भी साजिश हो उसमें नहीं फंसेगी, सीधे सीधे फैसला लेगी कि वो क्या चाहती है। इस एरिया को मॉडर्न और मॉडल बनाना जी मेरा आजमा है, उस पर मेरी कोशिश होगी। थैंक यू सो मच रिजवान साहब इसके ऊपर आप रोशनी डालने के लिए। और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले और कुछ कमिटमेंट लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हो सकता है इलेक्शन से पहले एक और इंटरव्यू करके वो सारे कमिटमेंट हम ले सकते हैं कि अगर सेलेक्ट होने के बाद इनसे पूछा जा सकता है, आपने ऑन कैमरा कमिटमेंट तो किया था लेकिन अगर ये नहीं करते हैं तो उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।